वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग किसी भी मोबाइल नंबर को ब्लैकलिस्ट में कैसे डाल सकते हो अगर वो पर्सन आपको बार बार कॉल करके परेशान करता है या फिर कोई भी कंपनी आपको बार बार आपके सिम पर कॉल करती है। सो आप लोग उस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर सकते हो जिससे इन फ्यूचर वो कंपनी या फिर वो आदमी आपके सिम पर कोई भी कॉल नहीं कर पाएगा। सो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग किसी भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी की तरफ से बार बार आपके सिम पर कॉल आता है और आप लोग हेरिटेट हो तो आप लोग इससे छुटकारा पा सकते हो उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में ऐड करके। सो इसको करने के लिए आप लोगों को अपनी डायलर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब आप लोग जिस भी नंबर को चाहते हैं ब्लॉक लिस्ट में डालने के लिए आप लोगों को उस नंबर पे आप लोगों को क्लिक करके होल्ड कर रहना है। जैसा कि हम यहाँ पे सेकंड नंबर से बार बार कॉल आ रही तो हम चाहते हैं इस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालने के लिए तो इस पे क्लिक करके होल्ड करे रहेंगे। सो आप लोगों को यहाँ लास्ट थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू ब्लॉक लिस्ट, इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखता है सो आप लोगों को यहाँ पे उसी नंबर के सामने आई का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। सो आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे टॉप राइट साइड में टू सर्कल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ भी एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू ब्लॉक लिस्ट, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन होगा आप लोग दोनों जगह से ट्राई कर सकते हो इस ऑप्शन को फाइंड करने के लिए। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है सो आप लोगों को यहाँ पे ऐड टू ब्लॉक लिस्ट पे क्लिक करना है। अब ये नंबर आपके ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से भी कॉल हिस्ट्री से वो नंबर हट चुका है। अब आप लोगों को उस नंबर से कोई भी इन फ्यूचर में कॉल नहीं आएगी। सो गाइस जैसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।